झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र सियासी रूप से हॉट सीट बना हुआ है और इस सीट पर कांग्रेस जेवीएम और निर्दलीय उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी है। वहीं बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास छठी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने उनके ही कैबिनेट के मंत्री रहे सरयू राय बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने गौरव वल्लभ को मैदान में उतारा है। 1995 से मुख्यमंत्री रघुवर दास पूर्वी जमशेदपुर सीट से चुनाव जीत रहे हैं, इस बार छठी बार मैदान में हैं। वहीं सरयू राय इसके पड़ोसी यानी जमशेदपुर पश्चिमी सीट से विजेता रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने सीट बदल लिया है और सीएम के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। तो ये बीजेपी के दोनों उम्मीदवार पूर्वी और पश्चिमी से जीतते आए हैं, लेकिन बीजेपी ने सरयू राय को इस बार टिकट नहीं दिया और इसी से नाराज सरयू राय ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। निर्दलीय चुनावी मैदान में है, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो पश्चिमी जमशेदपुर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सीट है जिसमें लगातार 5 बार से जीतते आ रहे हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास और छठी बार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन अब सीधा मुकाबला अपनी ही पार्टी से बागी हुए नेता सरयू राय के साथ है। तो जमशेदपुर पूर्वी का जो सीट है वो दमदार होता जा रहा है क्योंकि बीजेपी से रघुवर दास प्रत्याशी के तौर पर है और पूर्वी से निर्दलीय अब खड़े हो चुके हैं सरयू राय। तेवर देखने लायक है और आज सवेरे से ही चुनाव प्रचार चल रहा है जनता के बीच। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास पहुंच रहे हैं, वहीं सरयू ने भी पूरी ताकत अपनी लगा दी है सीट को जीतने के लिए। दूसरे फेज में जमशेदपुर पूर्वी की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां पर सीएम रघुवर दास का मुकाबला अपने ही सहयोगी सरयू राय के साथ है। सीएम ने यहां पर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है, लगातार सभा और यात्राएं हो रही हैं। सुबह सुबह सीएम ने बिरसा नगर में पद यात्रा की और लोगों से समर्थन की अपील की। दूसरे चरण का चुनाव उफान पर है। बीजेपी के प्रत्याशी रघुवर दास देखिए अब अपने सुबह के चुनावी कार्यक्रम में निकल गए हैं, पदयात्रा शुरू हो रही है और अपने आवास से निकलकर वो लगातार लोगों से जनसंपर्क करेंगे। अपने खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से जगह पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसे यात्रा कर रहे हैं, क्या किस तरीके से लोगों से वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं सर, सुबह सुबह पद यात्रा कर रहे हैं सर, 7 दिसंबर को वोटिंग है, किस तरीके से माहौल पूरे स्टेट में देख रहे हैं। पूरे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है मजबूत सरकार स्थिर सरकार बनाने के लिए, और 5 वर्षों में जो गांव से लेकर शहर को विकास हुआ जिसकी जनता अलग राज्य के बाद जो आकांक्षाएं थे आशाएं थे इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी की, तो जनता की स्वाभाविक अपेक्षा आशाएं और बढ़ गई है। हर घर रघुवर कैंपेन चल रहा है, 7 दिसंबर को वोटिंग है और मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने जमशेदपुर पूर्वी के क्षेत्रों के लोगों से मिल रहे हैं। अभी चाय पर चुस्की चुकी थकान हो गई है, 2 घंटे का वक्त है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके महिला कार्यकर्ता हैं, महिला वोटर हैं और उन लोगों से बात हो रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम से संतुष्ट हैं। हाँ हम संतुष्ट हैं। देखिए कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, आप इधर ही रहती हैं? हाँ, जिन नंबर आपके विधायक हैं वो मुख्यमंत्री सूबे के हैं, अब फिर हाँ कुछ तो होना चाहिए, उसके लिए हम बोलना चाहेंगे जितना किए हैं और उन्हें जीत के और आगे करें। किस तरीके से अच्छे से देख रहे हैं? तो इधर बिरसा नगर में बहुत तरक्की भी हो गया, पहले से सबके घर में शौचालय हो गया। क्या था जो अब हो गया, पहले क्या नहीं था? पहले घर घर में शौचालय नहीं था, सब इधर उधर सब जाते थे, अभी घर घर में शौचालय दे दिया, पानी दे रहा है, टाइम टाइम 2 टाइम पानी आ रहा है, फिर फिल्टर भी होता है बीच बीच में पानी, अभी तो बहुत सुविधा हो गया, पावर भी ज्यादा नहीं कट रहा है। सारे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था हो गई मोरदा जलापूर्ति योजना के द्वारा, गली गली में रोड का जाल बिछ गया, जो गलियां अंधेरे रहती थी आज पूरी गलियां एलईडी के लाइट से उजाला से भरा हुआ है। बदले
और थोड़ा क्षेत्र का विकास हो, जैसे यहाँ पे स्टेडियम बनने का है, आश्वासन दिए हुए हैं कि बनेंगे आज या कभी भी। क्या बदला है और क्या बदला चाहिए आपको? बस सर, बहुत कुछ बदला है हम लोग इधर रहने में, और कुछ बदलेगा ही। अकबर, और चूंकि 7 दिसंबर को वोटिंग है और वोटिंग को लेकर अलग अलग जमशेदपुर पूर्वी के अलग अलग गली कूचे चौके में न्यूज 11 आपको बता रहा है, मुख्यमंत्री का इलाका जो पहले अपने क्षेत्र के विधायक हैं, उसके बाद फिर विधायक दल के नेता और फिर सूबे के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री रघुवर दास सरना पूजा स्थल पर पहुंचे हैं जमशेदपुर पूर्वी के अपने मतदाताओं के घर घर रघुवर के कैंपेन के तहत। हमारे साथ खुद मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, लगातार बतौर आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन पहले आप अपने क्षेत्र के विधायक हैं, कितना संतुष्ट है, कितना बदलाव और कितना बदलाव की जरूरत है अगले 5 साल जब आप आएंगे वापस? नहीं, आप स्वयं देख रहे होंगे कितना बदलाव है पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में और जनता भी कितनी खुश है, स्वयं आप अनुभव कर रहे होंगे, इसका मूल्यांकन आप ही करिए। रघुवर दास हैं, कितना बदला है, कितना बदलाव की जरूरत है, इसका आकलन खुद मतदाता करें। उन्होंने उनको जो काम करना था उन्होंने किया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। मुख्यमंत्री अभी आपके पूजा स्थल पर आए थे, किस तरीके से इनको देखते हैं आप लोग? इनको सफल मुख्यमंत्री के जैसा देखते हैं, अभी तक इनके काम पर बहुत सराहना किए हैं जमशेदपुर के लोग और बिरसा नगर क्षेत्र के सभी लोग। उसके हिसाब से हमको लगता है विजय बनना चाहिए रघुवर दास को और सभी को समर्थन देना चाहिए रघुवर दास को, इतनी बातों के साथ अपना। आप यहीं रहती हैं? हाँ, हम यहीं रहते हैं। क्या यहाँ आदिवासियों के लिए, आपके सरना लोगों के लिए उन्होंने किया है जो? हाँ, बहुत विकास किया हमारे लिए, क्लब भवन बना दिए हैं और ये सरना स्थल भी बना दिए हैं और मैं भी एएनएम हूँ, मैं भी रेगुलर हुई हूँ, तो बहुत काम किए हैं, हम लोग खुश हैं इनके काम से। चलिए, तो देखिए कि घर घर रघुवर कैंपेन जारी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का अपना जमशेदपुर पूर्वी का इलाका है ये, और यहाँ पे अभी चूंकि आदिवासियों को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी उनके पूजा स्थल पर उन्होंने अपना मत्था टेका है, जितने भी चाहे वो धार्मिक स्थल हो, गिरजाघर हो, सभी जगह मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। 7 दिसंबर को जो वोटिंग है वहाँ पे लोग उन्हें वोट दें और अगले 5 साल में अस्थायी सरकार के लिए फिर से बीजेपी को अपना आशीष दें। दूसरे चरण, और अब बात करें जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनावी मैदान में कूदे सरयू राय ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। सरयू राय भी लगातार प्रचार अभियान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर समर्थकों के साथ जीप में प्रचार के लिए निकले। उनके साथ बातचीत की सहयोगी अविनाश ने। 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं लेकिन सबकी निगाहें जमशेदपुर की पूर्वी सीट पर आकर टिक गई है और यहाँ इसलिए निगाहें टिकी है क्योंकि यहाँ मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी के बीच है। हमारे साथ सरयू राय जी हैं और इस वक्त उनका मोटरसाइकिल जुलूस निकला है। सरयू जी, इस बार लड़ाई पूर्वी में, इस बार लड़ाई बीजेपी बनाम बीजेपी है। आप सही कह रहे हैं, जो बीजेपी में अटल जी आडवाणी जी की संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं वे सारे कार्यकर्ता हमारे साथ आए हुए हैं और जो लोग किसी एक व्यक्ति के पीछे हैं, जो व्यक्ति कार्यकर्ताओं को चिरकुट कहता है, कार्यकर्ताओं को दलाल कहता है, अफसरों से कहता है कि कार्यकर्ताओं की बात मत सुनो, ये दलाली करेंगे, जो ऐसे व्यक्तियों के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ जो लोग हैं वे लोग अपने स्वार्थ के लिए हैं। तो असली भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी विचार परिवार का अंग है, व्यापक विचार परिवार है, वो सभी के सभी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं और इसमें हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि यूथ जो है वो बीजेपी के साथ होता है लेकिन यहाँ तक आपके साथ नजर आ रहा है। देखिए, युवा ही हैं, हम लोगों ने सोचा था कि हमारी रैली में 2000 मोटरसाइकिलें आएंगी, आज 10,000 से ऊपर मोटरसाइकिलें आ गई हैं। लोग अपने घरों से अपना तेल भरवा कर अपने ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई व्यवस्था किया जैसा कि पार्टियों में होता है कि पेट्रोल पंप पर लोग 100-100 रुपया 200-200 रुपया का पेट्रोल भराते हैं। यहाँ तो लोग अपना खाकर अपना खर्चा करके मेरे साथ हैं, वे मुझे वोट भी दे रहे हैं और नोट भी दे रहे हैं। पूर्वी के लोग सरयू जी पर विश्वास क्यों करें? इसलिए कि मैंने उन पर भरोसा किया है, मैंने अपने मुद्दों को पीछे करके यहाँ इस क्षेत्र की जनता के मुद्दों को आगे रखा है। सियासी बस्तियों का मालिकाना है, यहाँ उद्योग धंधों को मंदी से निकालना है, यहाँ एक परिवार का जो आतंक हो गया है, भाई भतीजा बेटा भगना
साला से लेके सारे लोग आतंक मचाने में लगे हुए हैं। उस भय और आतंक से जनता को मुक्त कराना है, ये जनता के मुद्दे हैं, इसलिए यह चुनाव जनता का है, चुनाव जनता लड़ रही है, मैं उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। जी कौन जीतेगा इस बार, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई जनता लड़ रही है तो जनता तो कभी हारती नहीं है। जनता हमेशा जीती है और जनता का नारा है कि लो परिवर्तन के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राय जी ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, बहुत पुराना नारा है, लेकिन झारखंड के इस चुनावी मैदान में बहुत फिट बैठ रहा है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 11, जमशेदपुर। वैसे